इस बीच जाकिर नायक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र इंटेलिजेंस जो कि जाकिर नायक के भाषणों की जांच कर रहा था, ऐसी खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र इंटेलिजेंस ने लगभग क्लीन चिट दे दी है जाकिर नायक को। जाकिर नायक के तमाम भाषणों यूट्यूब वीडियोज की जांच के बाद खबर यह है कि लगभग क्लीन चिट जाकिर नायक को दे दी गई है। राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, यानी कि जो भी यूट्यूब वीडियोस थे, स्पीचेस थे जाकिर नायक के, उन्हें खंगालने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं मिला है महाराष्ट्र इंटेलिजेंस को कि उसके खिलाफ कोई केस बन सके। बिल्कुल, देखिए, एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे कि जो यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें जाकिर नायक अपनी तकरीर देता है, अब उससे कोई इस तरीके की बातें सामने आती है और एसआईटी स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उसने जांच शुरू कर उसने तमाम यूट्यूब वीडियो। राजेश के पास हम दोबारा लौटेंगे। राजेश हमें जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र इंटेलिजेंस जो कि जाकिर नायक के मामले में जांच पड़ताल कर रहा था, भाषणों को सुन रहा था, यूट्यूब वीडियोस को देख रहा था, ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या किसी तरह के कोई भड़काऊ भाषण थे, क्या कुछ गलत बातें सिखाई जा रही थी जाकिर नायक की तरफ से वहां पर मौजूद लोगों को। उन्होंने जितने भी भाषण खंगाले हैं उन्हें उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके बिना पर कोई केस हो सके जाकिर नायक के खिलाफ। और खबर यह है कि लगभग क्लीन चिट महाराष्ट्र इंटेलिजेंस जाकिर नायक को दे सकती है।